National Conference leader was nominated as chairman of the Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil. National Conference and Congress have decided to join hands to share power in the Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil. As per the agreement, National Conference will hold the post of chairman cum CEC, while the two parties will share two executive councillors each. ANSI has 10 and the Congress 8 councillors in the council, having 30 seats. Feroz Khan said the coming together of the two parties is a reflection of the political alignment taking place in the Jammu and Kashmir. कि आज मैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब हुआ हूं और वो भी अनकंटेस्टेड बिला मुकाबला, जिसके लिए मैं तमाम पार्टी एनसी हो के काउंसलर्स हो, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, इंडिपेंडेंट, सबका बहुत ही मशहूर और ममनून हूं कि इन्होंने मुझ पर एतमाद करके बिला मुकाबला मुझे मुंतखब किया है। खासकर जो हमारे कोलिशन पार्टनर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके जो काउंसलर्स हैं उनका भी मैं बहुत ही मशहूर ममनून। हमारे जब इलेक्शन का जो मैंडेट आया वो फ्रस्ट्रेटेड मैंडेट आया, आपको पता, आई मीन फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, तो जिसके लिए हमें ये कोलिशन करना जो है नॉमिनेशन के बाद भी मतलब बहुत ज़रूरी हम समझ रहे थे, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि हमें एक बड़ा बेड एक्सपीरियंस था पिछले जो काउंसिल में, तो इसलिए हम चाहते थे कि पहला, जब तक ना आपको स्टेबिलिटी नहीं हो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो सोच है इंडियन नेशनल कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस की, एक स्टेट में एक अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है, 6 साल का इन्होंने कोलिशन चला है और आइंदा हमें उम्मीद है जो अभी आपका सिचुएशन बन रहा है कि आने वाले में भी कांग्रेस और एनसी का एक कोलिशन होगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और अपने दोनों हाईकमांड को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हमने ये फैसला लिया है। ये जो फैसला है ये प्योरली इन द इंटरेस्ट ऑफ करगिल है, फॉर डेवलपमेंट, और कोई एजेंडा नहीं है इसमें। हमने सिर्फ ये रखा है कि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट बने जिसकी वजह से हम जो है सही डेवलपमेंट कर सकें। क्या आने वाले टाइम में असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी आने वाला है, उस टाइम पे भी एनसी और कांग्रेस साथ में इलेक्शन लड़ेंगे? जी, उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो ये जो है आपका पॉलिसी डिसीजन है, ये जो है हाईकमांड लेवल पे होगा, लेकिन हमें लगता है ऐसा।